कहानियाँ, एक कहानी आपके लिए हमारे चैनल में आपके लिए लाए हैं एक सुंदर सी कहानी। मेरे प्यारे दोस्तों, एक कहानी आपके लिए हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हम नित प्रतिदिन एक एक कहानी सुनते हैं नए नए विचारों के साथ। तो आज भी आप सभी के लिए ऐसे ही एक सुंदर सी कहानी आपके लिए। तो लीजिए, हमारी कहानी इस प्रकार है। एक परिवार था गांव में। उस परिवार में एक बेटा जो पढ़ लिख कर आज बड़ा हो चुका था। पिताजी ने खूब मेहनत खेती करके उसको पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, और उसकी माँ ने लालन पालन के बड़ा अफसर के लिए जो ख्वाब देखा था आज वो पूरा हो चुका था। और वो ख्वाब उसके साथ उनके घर में एक बहू आए, बेटा का शादी हो, ये भी ख्वाब पूरा हो चुका था। लेकिन जब बेटा का गांव से शहरों में नौकरी लगी तो गांव छोड़कर आए हुए कई वर्ष बीत चुके थे। कुछ साल पहले पिताजी गुजर चुके थे। अभी उनकी माँ ही घर पर गांव पर रहती थी, उनकी देखभाल दूसरे भाई करते थे। और इस बार ऑफिसर जो शहरों में रहता था अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, कई साल के बाद उसने अपनी पत्नी को अपने मन की आरजू तमन्ना कहें व्यक्त की कि शालू, चलो इस बार दिवाली में मम्मी को घर ले आते हैं। शालू ने कहा, क्यों नहीं, मम्मी को ले आना चाहिए। तो बेटा गांव में जाके दिवाली पर, खुशहाली दिन पर, दिवाली आने वाली है तो माँ को घर में लेके आए। और दिवाली की खरीदारी पर पति पत्नी दोनों निकल पड़े सामान खरीदने के लिए। पत्नी जल्दी जल्दी शालू अपनी बैग लेके निकल पड़ी कार में बैठने के लिए। इतने में ही पति सूरज पत्नी से पूछा, देखो हम बाजार तो जा रहे हैं दिवाली के सामान खरीदने के लिए, बच्चों के लिए भी हमारे लिए भी, लेकिन माँ को कुछ चाहिए तो पूछ लो, पूछा। तो पत्नी बड़ी रुख ढंग से जवाब दी, क्या बात कर रहे हो, उम्र हो गई, उम्र के साथ क्या चाहिए यार, दो वक्त की रोटी और दो जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है। तो बेटा सूरज जो माँ का लाडला था, आज कई साल के बाद ले आया था शहरों में, तो उसके मन में प्यार से आया, यह बात नहीं है शालू, मैं पहली बार दिवाली पर हमारे घर पर माँ को लाई हूं, वरना तो हर गांव, हर बार हर गांव में अपनी माँ दिवाली मनाती है और मेरी माँ भी गांव में दिवाली मनाती है। अरे कम से कम औपचारिक तरीके से तो पूछ लेती। पत्नी थोड़ी गुस्से में आकर बोली, अरे इतना ही प्यार है माँ पर, इतना प्यार अगर उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते। झल्ला कर चीखी थी शालू और कंधे पर हैंड बैग रखते हुए तेजी से सीट पर ऐसे हिलते हुए बैठ गई। गाड़ी से बाहर निकलकर सूरज अपने माँ के पास जाकर बोला, माँ हम लोग दिवाली की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए। माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं है बेटा सूरज, सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। फिर ने सूरज ने माँ को आग्रह करते हुए कहा, माँ कुछ भी चाहिए बोल दीजिए। सूरज तीन चार बार जैसे बोला तो माँ के आवाज आई, रुको बेटा, तू इतना कहता है तो ठीक है, तुम थोड़ा रुक जाओ, मैं लिख कर ला कर देती हूँ, क्योंकि तुम्हें बहुत सारी सामान खरीदारी करनी है और बहू भी बहुत सारी सामान खरीदारी करेगी, इसी के बीच में कहीं भूल ना जाओ, इसीलिए मैं लिख के देता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे तो तुम खरीद के ले आना।
माँ को घर में आए हुए 4-5 दिन हो चुके थे। दोनों पति पत्नी जॉब करते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं आते हैं। यह कहकर सूरज की माँ ने अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट सूरज को थमा दी। पर्ची लिखा हुआ था और उसने उसको दे दी बेटा। अच्छा बाबा ठीक है, पर पहले मैं अपनी जरूरत के सामान लेकर आऊंगी। ये पर्ची जब लिस्ट उन्होंने देखा, अर्थात पत्नी, उसने कहा ठीक है, माँ ने जो लिस्ट दिया वो ठीक है, लेकिन पहले मैं अपना सामान लूंगी, बाद में मम्मी का ले लेना अपना। यह कहकर शालिनी मार्केट से बाहर निकली और दुकानदारी खरीदारी करने लगी। पूरी खरीदारी करने के बाद शालिनी बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जाती हूँ, कार में एसी चालू करके मैं बैठती हूँ, आप अपनी माँ के लिए सामान जो भी है वो खरीद लो। अरे शालू तुम भी रुको, फिर साथ चलते हैं, मुझे भी तो जल्दी है, देखता हूँ माँ ने इस दिवाली पर क्या मंगाया है। कहकर माँ की लिखी पर्ची जेब से निकालता है बेटा। बाप रे इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं इनमें क्या क्या मंगाया होगा, जरूर अपने गांव वालों के छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारे सामान मंगाए होंगे, बच्चों के लिए मंगाया होगा, श्रवण कुमार के लिए मंगाया होगा जो बोना है। शालिनी गुस्से से सूरज की ओर देखने लगी। पर ये क्या, सूरज की आंखों में आंसू टप टप मोतियों की तरह गिर रहे थे। लिस्ट के पकड़े हुए हाथों से सूखे के पत्ते की तरह हाथ हिल रहा था, पूरे शरीर कांप रहा था। ऐसी कौन सी लिस्ट लिखी थी, शालिनी बहुत घबरा गई। क्या हुआ, ऐसा क्या मांग लिया माँ ने, कहकर सूरज की हाथ से पर्ची झपट ली। जब पर्ची की ऊपर शालिनी की नजर पड़ी तो वो भी हैरान हो गई। इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, शालिनी पढ़ती जा रही थी और उसकी आंखों में भी आंसू टपक रहे थे। बेटा सूरज, मुझे दिवाली पर तो क्या किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद्दी कर रहे हो तो तुम्हारी शहर से किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती हुई सांझ हूं अब मैं, सूरज मुझे गहराते अंधियार से डर लगने लगता है, सूरज मुझे गहराते अंधियार से डर लगने लगा है, बहुत डर लगता है पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर। जानती हूं टाला नहीं जा सकता शाश्वत सत्य पर, अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है। सूरज बेटा सूरज, तू जब तक तुम्हारे घर पर हूं मैं तो तू मेरे लिए कुछ करना, कुछ पल बैठा कर मेरे पास, कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया कर मेरे बुढ़ापा के अकेलेपन। बिन दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरी जीवन की सांझ। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श नहीं किया, एक बार फिर से वो मेरी गोद में रहकर अपने सर और मैं अपनी ममता भरी हाथली से सहलाऊं तेरे सर को, एक बार फिर से इतराया मेरे हृदय अपनी मेरे अपनों के करीब, बहुत करीब पाकर, और मुस्कुराकर मिलूं मौत के गले में। क्या पता अगली दिवाली तक रहूं या ना रहूं, बस मेरे लिए कुछ पल खरीद के ले आना। पर्ची की आखिर लाइन पढ़ते ही शालिनी फपक फपक कर रो पड़ी। ऐसी ही होती है माँ। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने घर के उन विशाल हृदय वाली माँ और जितने लोग हैं जिनके बुढ़ापे और बुढ़िया की श्रेणी में हम रखते हैं, वो आपके जीवन में कल्पतरु हैं, उनका यथोचित आदर सम्मान सेवा शुश्रूषा और देखभाल करें। यकीन मानिए आपके भी बूढ़े होने के दिन नजदीक ही हैं,
उसकी तैयारी आज से ही कर लें, क्योंकि जो चीज हम बांटते हैं वही हमारे पास अथाह रूप में प्रकृति देती रहती है। प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा, नफरत बांटोगे तो नफरत मिलेगा। तुम्हारे पास क्या है जो तुम बांट रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए जो तुम दे रहे हो? जो दे रहे हो वही तुम्हारे पास आएगा। इसमें कोई शौक नहीं। आपके अच्छे बुरे कृत्य देर सवेरे आपके ही पास लौट के आने हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन को संग्राम, संघर्ष, संघर्ष, जितना संघर्ष करते हैं उतना हर्ष, लेकिन सत्यता के मार्ग पर अपनी कुसंस्कार को त्यागिए, सद्भावना को अपनाइए, सबका सदा सत व्यवहार करिए दिल से, तो वो भी आपके जीवन में एक सुंदर संस्कार का निर्माण करेगा और आने वाले समय आपको एक ऐसा उपहार देगा जो आप भी खुशी खुशी से अगले सफर के लिए आप तय करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ एक सुंदर सा गाना मैं आपको सुनाना चाहता हूं। हो घबराओ न प्यारे भाई, कर लो जन्मों की कमाई। घबराओ न प्यारे भाई, कर लो जन्मों की कमाई। रोग शोक पीड़ा बीमारी लेती तुमसे चिर विदाई। घबराओ न प्यारे भाई, कर लो जन्मों की कमाई। कर्म किए जिसने जैसा वो, फल पाए उतने वैसा वो। कर्म की है रीत है न्यारी, कर्म करना है दुनिया सारी। बात प्रभु ने बतलाई, समझो मेरे प्यारे भाई। घबराओ ना प्यारे भाई, कर लो जन्मों की कमाई। घबराओ ना प्यारे भाई, कर लो जन्मों की कमाई। घबराओ ना प्यारे भाई, कर लो जन्मों की कमाई। ओम शांति। हमारे इस चैनल में अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।